हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्जा पराठा, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए गेहूँ का आटा, दही, सॉल्ट, ऑयल और थोड़ी सी बेकिंग पाउडर। इन सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर थोड़े थोड़े पानी डालकर एक अच्छी सी डो तैयार करें और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने दें। तब तक हमें चाहिए सारे वेजिटेबल जो आपके घर में हो। मैंने तो इसमें लिया है चीज़, मेजरोला चीज़, जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और इस कद्दूकस चीज़ में मैंने गाजर, कैप्सिकम, पत्ता गोभी, प्याज और ग्रीन चिल्ली, इन सबको मिलाकर मैंने इसका एक मिश्रण तैयार कर लिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच, क्योंकि चीज़ में तो ऑलरेडी नमक होता ही है। ये देखिए, अब इन सारे मिश्रण को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। और जो मैंने आटा गूंथ कर तैयार किया था, उसकी लोई बनाकर, बड़ी सी लोई, और जितना इस लोई में आ जाए उस मिश्रण को भर के भर लीजिएगा। ये मैंने भर लिया, फिर मैं इसे बेल लूँगी। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर डालकर तो मोटा ही पराठा बनाएंगे, नहीं तो जो मिश्रण अंदर में है वो बाहर निकल जाएगा और चीज़ बाहर निकलने के बाद वो अच्छा नहीं लगेगा, वो अंदर ही रहना चाहिए। अब मैं गर्म तवे पर पराठे को सेक लूँगी। मीडियम आंच पर इसे सेकना है, ज़्यादा तेज ना करें, नहीं तो अंदर की सब्जी नहीं पकेगी। ये देखिए, मैंने घी लगाकर इस पराठे को सेक लिया। मैं अलग बर्तन में निकाल कर कटर के सहारे इस पराठे को काट लूँगी। देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चे एक बार खाएंगे तो बार बार बोलेंगे खाने के लिए। और ये हेल्दी भी पराठा हुआ, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां हैं। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, हरी सब्जी, उनको ये बनाकर खिलाइए। देखिए, बच्चे देखते ही दीवाने हो जाएंगे और बाज़ार का तो पिज्जा खाना ही भूल जाएंगे। आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। थैंक यू।